हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट। तो आज हैं हम T2 बैंगलोर एयरपोर्ट पे और आज है मेरी लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिप। तो दिस इज ऑल इंटरेस्टिंग। तो आज मेरे लिए मेरी लाइफ की पहली इंटरनेशनल ट्रिप, दिस इज सो तो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप से मैं जा रही हूँ 16 बजे और मैं वेट कर रही हूँ, बस मैं बैग तो चेक इन करा रही हूँ। चेकिंग वगैरह और सब कुछ हो गया है, तो ये है बैंगलोर का इंटरनेशनल ड्यूटी फ्री। भाई साहब क्या जगह है ये, क्या नहीं है यहाँ पे। मन तो कर रहा सारी बॉटल उठा लूँ, सारा मेकअप उठा लूँ। जब भी मैं T2 आती हूँ हमेशा शॉक हो जाती हूँ मैं यहाँ की सुंदरता देखकर। मंत्रमुग्ध हो गई मैं यहाँ का वातावरण देखकर। तो भाई इधर भी झरने बनाए हैं, उधर भी झरना बनाया है, सिंगापुर को पूरा टक्कर दे दी है हम लोगों ने। सारा बैड लक मेरे साथ ही होता है, फूटी किस्मत मेरी। मेरा जो क्रेडिट कार्ड जिस पे लाउंज एक्सेस था नहीं चल रहा है। बट पापी पेट का सवाल था, खाना भी था, तो महंगा खाना ही सही, 500-600 रुपये खर्च करके मैंने पास्ता खा लिया था। तो मैंने ग्रेट क्रॉस कर लिया है अब और मैं जा रही हूँ वेटिंग एरिया की साइड जहाँ पे हमारा गेट है। फाइनली मेरी बोर्डिंग हो गई है और अब मैं एंट्री कर रही हूँ अपनी राइड में। तो मैंने विंडो सीट बुक की थी, सो बतिक एयरलाइंस में इंटरनेशनल वाली आपको कोई वाइब नहीं आएगी, दिस इज़ लाइक अ टिपिकल एशिया काइंड ऑफ। तो ये ऊपर से व्यू है कुआलालंपुर का जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। पहुँच चुके हैं हम कुआलालंपुर। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि भैया कहाँ मैं इमिग्रेशन ढूँढूँ। तो लोगों से पूछ पूछ के जैसे तैसे मैं इमिग्रेशन तक पहुँची। फाइनली वहाँ पे स्टैंपिंग करने के बाद मैं निकली वहाँ से, लगेज वगैरह उठा के अपना। और थोड़ा कंफ्यूजिंग था कैब बुकिंग का सिस्टम भी, तो वहाँ पे ग्रैब चलती है तो मैंने कैब बुक की और फिर मैं वेट कर रही थी अपनी कैब का। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मैं अपनी कुआलालंपुर ट्रिप की सारी व्लॉग्स पोस्ट करूँगी।